नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उन पौधों के बारे में जो मुख्य द्वार पर लगाने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है और घर की खुशियों में चार चांद लग जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन पौधों के बारे में। तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को धार्मिक दृष्टि से जहाँ महत्वपूर्ण माना जाता है, वहीं वास्तु में तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। जब इस पौधे को मुख्य द्वार पर लगाया जाता है तो यह आसपास के वातावरण को महकाने के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और आपके घर के लिए लकी माना जाता है। कहते हैं कि तुलसी का पौधा धन को भी आकर्षित करता है। जैस्मिन प्लांट। जैस्मिन प्लांट यानी चमेली का पौधा। घर के लिए जैस्मिन प्लांट बहुत ही लकी और पॉजिटिव एनर्जी वाला माना जाता है। इसकी भीनी भीनी खुशबू आपके तन मन को महका देती है। कहते हैं कि अगर मुख्य द्वार पर चमेली का पेड़ लगाए तो न सिर्फ यह आपके घर को सुगंध से भर देगा बल्कि धन में भी वृद्धि करेगा। मनी प्लांट। मनी प्लांट को भी मुख्य द्वार पर लगाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। कहते हैं कि मनी प्लांट को चाहे घर के अंदर लगाएं या फिर घर के बाहर, यह सदा ही खुशियों को बढ़ाने वाला माना जाता है। कहते हैं कि मनी प्लांट की बेल को मुख्य द्वार पर लगाने से यह आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। पाम ट्री। पाम ट्री को भी घर के मुख्य द्वार पर लगाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर देखा जाता है। पाम ट्री को एयर प्यूरिफाइंग प्लांट माना जाता है। इसकी देखभाल करना भी बेहद आसान होता है। डंडा ऐसा कहा जाता है कि पाम ट्री को जब मुख्य द्वार पर लगाया जाता है तो यह पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो को बढ़ाता है, जिससे आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स पड़ती हैं। फोन का प्लांट। फोन का प्लांट देखने में जितना सुंदर होता है उतना ही लकी भी होता है। बोस्टन फोन प्लांट को घर के बाहर मुख्य द्वार पर लगाने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी अपने आप प्रवेश करती है। जब इस प्लांट को घर के सामने रखा जाता है तो यह आपके घर में गुड लक चार्म को बढ़ाता है। सिट्रस ट्री। फैंग शुई के हिसाब से नींबू का पेड़ या फिर नारंगी का पेड़ बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं यह आपके घर में गुड लक लाता है और सौभाग्य में भी वृद्धि करता है। लेकिन इसे मुख्य द्वार के ठीक सामने लगाने की बजाय दरवाजे के दाईं ओर रखें। अपने खूबसूरत रंग की वजह से यह बहुत शुभ माना जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।